टैनर शेल्टन नाम के टिकटॉक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया था। इनमें से पहली वीडियो क्लिप में जब टैनर सुबह सुबह उठकर अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार करते हैं, तब अचानक उन्हें अपने घर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उनका ये कहना था कि आज से पहले उनके घर में कभी ऐसी आवाजें उन्हें सुनाई नहीं दी थी। जब वे बेबी मॉनिटर में ये देखते हैं कि आखिर ये आवाजें किसकी है, तब वे खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब उस बेबी मॉनिटर में साफ तौर पर एक साया नजर आता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब इसकी दूसरी वीडियो क्लिप में जब वे टिकटॉक यूजर अपने बैकयार्ड से गुजरते हुए अपने घर के पीछे सुनसान जंगल में जाते हैं कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए, तब एक बार फिर उनका सामना उसी डरावनी चीज से हो जाता है। वेल, अब आप लोग इस क्लिप को एंजॉय करिए। आज के इस 6वीं नंबर वीडियो क्लिप को YouTube चैनल PIT ने अपलोड किया था। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का एक समूह इस वीडियो के शुरुआती दौर में नजर आ रहा था, बंद पड़े अस्पताल की जांच पड़ताल करते हुए, कि तभी अचानक इस टीम को सबसे पहले तो कुछ शोर की आवाज सुनाई देती है। और जहां से ये शोर की आवाज आ रही थी, वहां देखने पर इस समूह को एक परछाई वहां नजर आती है। अब आप लोग इस वीडियो पर एक नजर डालिए। Fai vedere, ti fai sentire. Dove sei? Io ti dico che c'è un'aria pesante. Sì, sì, sì. Caldo, caldissimo. Anche perché questa sensazione deve essere. Puoi farti vedere, puoi farti. Cos'era? Hai sentito? Bravo, bravo. Puoi per favore avvicinarti? Sei qui? Cerca di interagire con noi. Non vogliamo farti del male. Però abbiamo bisogno di... अब ये साया आखिर सच में किसी भूत प्रेत का था? आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये वीडियो को फेमस यूट्यूब चैनल माइंडसेट टीवी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट में अपलोड किया था। वीडियो में केसी टर्नर ये बताते हैं कि वे इस बार अपने यूट्यूब फैमिली में से एक शख्स के घर में गए थे, जिनके दादाजी का देहांत बस कुछ समय पहले ही हुआ था। वे शख्स अपने द्वारा भेजे गए ईमेल में ये बताते हैं कि जब से उनके दादाजी का देहांत हुआ है, तब से उनके घर में कुछ न कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। वेल, अब जब केसी और टर्नर इस घर में जाकर छानबीन करते हैं, तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इन दोनों गोस्ट हंटर को काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स इस घर से आना शुरू हो जाती है। यही नहीं, बल्कि उन्हें एक साया भी इस घर में नजर आता है। अब आप लोग इस फुटेज को देखिए। It's a pretty cool painting, actually. Oh, this room is kind of crazy. Dining room, old picture of grandpa. Yeah. Old painting. Dude.
dude. सत्ताईस अगस्त 2022 के दिन इस वीडियो को एक टिकटॉक यूजर ने अपने टिकटॉक अकाउंट में पोस्ट किया था। वीडियो में वे टिकटॉक यूजर बेड पर लेटे हुए सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ स्ट्रेंज आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें अपने बेड से उठने पर मजबूर कर देती है। अब आगे ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण इस शख्स की नींद बर्बाद हो गई थी, आइए इस फुटेज में देखते हैं। Jesus. I mean, this is my whole closet right here. This is my kitchen. अपने घर में अकेले इस व्यक्ति ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। अपने घर के स्टोर रूम से लगातार आवाजों को सुनकर ये शख्स अपने स्टोर रूम की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक ये शख्स कुछ अजीब सी डरावनी चीज को देख लेते हैं जो कि यकीनन काफी ज्यादा भयंकर और काफी ज्यादा खौफनाक सी दिख रही थी। अब आखिर वो डरावनी चीज क्या थी, आइए हम सभी मिलकर इस फुटेज में देखते हैं। एक रेडिट यूजर के अकाउंट से इस वीडियो को लिया गया है। वीडियो में वे शख्स बताते हैं कि बस अभी कुछ वक्त पहले ही उन्होंने किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनी है जो कि उस रेडिट यूजर को अपने ओर आकर्षण करने की कोशिश कर रही थी। उन आवाजों के करीब जाने पर इस व्यक्ति को काफी अजीब और डरावना सा चेहरा नजर आता है। बल्कि इसके दूसरे पार्ट में भी जब वे शख्स किसी की हंसने की आवाज सुनते हैं तब एक बार फिर उनके कैमरा में कुछ ऐसी डरावनी क्रिएचर कैद हो जाती है।
एक पैरानॉर्मल जगह को एक्सप्लोर करते हुए अचानक किसी लड़की की दर्दनाक आवाज सुनते हुए ये गोस्ट हंटर आगे बढ़ते हैं। आवाज ज्यादा दूर से नहीं बल्कि पास ही से आ रही थी, पर जो इन दर्दनाक आवाजों के पीछे था आखिर वो कौन था? आइए इस फुटेज में देखते हैं। डियागो स्पाइक रैकर्स नाम के शख्स ने इस एक्सट्रीम लेवल हॉरर वीडियो क्लिप को हाल ही में अपने इंस्टाग्राम फैमिली के साथ शेयर किया था। रात के वक्त अचानक डियागो की नींद खुल जाती है तो वह अपनी पत्नी को देखते हैं, पर उनकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थी बल्कि डियागो की पत्नी रात के करीब 3 बजे एक मिरर के आगे चुपचाप खड़ी हुई थी, बस उस मिरर को देख रही थी। पर फिर तभी अचानक उस मिरर के आगे काफी भयानक सा चेहरा नजर आता है, जिसे देखते ही डियागो की नींद उड़ जाती है। अब आप लोग भी आज की इस एक्सट्रीम लेवल हॉरर वीडियो क्लिप का मजा लीजिए। अमूर, अमूर फ्यूचर में आने वाली ऐसी और भी ज्यादा हॉरर वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल हॉरर पिल 2.0 को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही उस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी ज्यादा हॉरर एडवेंचर का मजा बूस्ट करना है तो स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पे क्लिक करके ऐसा आप लोग कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आने वाली अगली और भी ज्यादा हॉरर वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।